है। मैं अब ये बताएं कि हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था? इस्लामी रियासत के लिए, इस्लामी रियासत थी। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है, हमें सजाएं इस्लाम के मुताबिक मिलती हैं। अगर बात किया जाए बैंकिंग सिस्टम को, वो इस्लाम में जायज़ है, वो तो नाजायज़ है। अगर सूद की बात करें वो भी नहीं इस्लाम में, तो फिर हमारा जो निज़ाम है पूरे पाकिस्तान को, वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? नहीं, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो फिर ये क्या बात हुई? एक तरफ हम कहते हैं हम मज़हब पहले है, अगर मज़हब पहले है तो फिर सारा कुछ मज़हब के मुताबिक क्यों नहीं चलाते? बस इंसान कुछ ऐसे हैं ना जो मज़हब के मुताबिक नहीं चलते हैं। चले कुछ ऐसे हैं, बाकी सारे ऐसे हैं, तो बाकी कोई बताएं आज तक किसने मज़हब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया? काफ़ी लोग हैं यार ऐसे, कोई बताएं ना, कोई किसी एक हुक्मरान का नाम बताएं। हुक्मरान तो कोई भी नहीं है कायद अजम के अलावा, उनके अलावा है कोई नहीं? अगर कोई है तो आप बता दें। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो आवाम में ऐसे आ जाता हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं। अगर कायदे आजम के अलावा आपको कोई हुक्मरान नजर आता तो वो मुझे बताएं ना, कोई था यार, कोई ऐसा था कोई इस्लाम के, जी जी, कोई ऐसा था जो इस्लाम के, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पहले, इस्लाम सबसे पहले है, लेकिन जब अपने निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इस्लाम नजर नहीं आता। बेशक ऐसा ही है। उसकी क्या वजह है और उसे कैसे? उसकी वजह भूख है, जो हुक्मरान पैसा खा गए हैं। जो हमारे हुक्मरान है वो मुसलमान नहीं? मुसलमान है सब, उन्हें इस्लाम से प्यार नहीं? अगर आप ऐसे ना काफ़ी अरसा पीछे चले जाएं, जो भी ड्रामा भी चल रहा है अतरुल गाजी और उसकोरल उस्मान वाला, तो उनमें भी कुछ ऐसे मुसलमान थे ना, उनमें भी कुछ ऐसे मुसलमान थे जो यानी कि उनसे इतफाक़ नहीं करते थे, कहलाते वो मुसलमान ही थे लेकिन वो दूसरों की तरफ पैरवी करते थे। यानी कि सबसे मेन बात यह है कि अगर इस्लाम के टॉपिक पर हम चलें ना, अगर इस्लामी रियासत पर हम चलें, तुम्हारे मुल्क के जो निज़ाम है ना वही धर्म भरम हो जाएगा। इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म जी, वो कैसे? वो ऐसे कि अपना जो कानून ले लें आप, आपका जो कानून है, जैसा कि कानून है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए इस्लाम में, ऐसे है, आँख के बदले आँख है, जान के बदले जान है, लेकिन ऐसे नहीं है ना। कोड़े अगर कोई जना करेगा या किसी के साथ लड़की के साथ ज्यादा करेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे? हाँ जी ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बात कर रहा हूँ, आपने ये जो बात की है कि अगर इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म भरम हो जाएगा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो यही वजह है भाई, यही वजह। अगर फॉर एग्जांपल आप चोरी करते हैं, मैं आपका हाथ काट देता हूँ, आपको तो सजा मिल गई है, लेकिन गवर्नमेंट मुझे सजा देगी इसकी, क्यों? ठीक है, तो फिर ऐसे इसका मतलब हम कन्फ्यूज हैं। अगर आप पढ़े लिखे इस बात को समझे मेरी इस बात को कि हम कन्फ्यूज हैं, कहते हम कुछ हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम से बहुत प्यार है, करते हम कुछ हैं, तो इसी चक्कर में ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। देखिए ना, सबसे पहले यह है कि गुस्ताखी रसूल जो है वो यानी कि उनको जो वैसे भी ना कत्ल कर देना चाहिए। इंडिया में जो हुआ अभी, किसी लड़की ने जो कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी की थी, आपने पाकिस्तान में देख लिया, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इंडिया के मुसलमान देखें, इंडिया के मुसलमानों ने जितना उठाया उतना किसी ने भी नहीं उठाया, और फिर भी हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान बड़े जोंस हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है। बात अगर मुसलमान देख रहे हैं तो इंडिया में देखें, जहाँ पर उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने किद्दे पे पक्के हैं, फिर भी वो अपने किदे पे पक्के हैं। कश्मीर देख लें आप, वहाँ पे किसी लोग की क्या ना किसी बंदे की कोई इज्जत महफूज है नहीं है। आपको ये कौन बताता है? यार ना जर्नल नॉलेज है यार, जर्नल नॉलेज थोड़ा इधर थोड़ा सा इधर, जर्नल फेसबुक पे तो अगर आप मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, वो तो फिर हमारे मुल्क के बारे में बड़ा कुछ आता है, तो फिर हम उसको भी मान लें। यार अपने मुल्क के बारे में होता तो आता है ना, ऐसे तो नहीं है ना। अगर आप गलत नहीं है तो आपके बारे में कोई गलत कैसे कहेगा? अगर आप गलत नहीं है तो मैं आपको क्यों गलत कहूंगा? अगर आप गलत हैं तो मैं आपको गलत कहूंगा ना। ठीक है, ये भी आप बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे लास्ट में यही पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या अब जो सिचुएशन बन चुकी है, जो एक माहौल बन चुका है, जो एक हम लोग कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं और दूसरे बहुत से मसाइल हैं, इस टाइम अगर हम इस्लामी निज़ाम लाएँ तो क्या हम इन परेशानियों से निकल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं निकल सकते, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप अल्लाह वबरकातुहु। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं अभी। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपके लिए मज़हब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मज़हब है इस्लाम जो है, इस्लाम सबसे पहले, सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी हैं बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था, मज़हब की बुनियाद पर बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, उसी की बुनियाद पर बना है। ठीक है, मज़हब की बुनियाद पर बना था, दो कौमी नज़रिया भी यही था कि हम जो उनसे अलहदा होना चाहते हैं और मुसलमान अपनी इधर मर्जी से मज़हब जो इस्लाम है उसको फॉलो कर सके। तो अब आप ये बताएं, मज़हब के नाम पर हमने मुल्क तो बना लिया, क्या यहाँ पर आपने ईमानदारी से जवाब देना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो मज़हब के मुताबिक चल रहा है?
नहीं, मज़हब के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मज़हब हमारे लिए मज़हब आ गए? आज बहुत अच्छा ज़रूरत है कि हम अपने जो भी नुमाइंदे चुनते हैं वो इस्लाम के मुताबिक होंगे तो फ़ायदा देंगे। अगर इस्लाम के हटके चलते हैं, जितनी भी पार्टी खड़ी हैं अपनी अपनी बात करते हैं, मज़हब की बात जो इस्लाम की बात है कोई कोई करता है, अगर ये सब एक एक झंडे पे आ जाएं तो ये मुल्क उसी तरह बेहतरीन चलेगा जैसे जिस बुनियाद पर बना है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज तक कोई ऐसा नुमाइंदा पाकिस्तान में आया है जिसने मज़हब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया हो? जिसको चलाना चाहते हैं वो चला नहीं सकते, जिसको ऊपर आना। आपके ख्याल में कोई एक आप बता दें, कोई एक वज़ीर आज़म, कोई सदर या कोई आपके यार वो बंदा था वो इस्लाम के मुताबिक चला रहा था? पहले तो पता नहीं, सुना है बड़ों से सुना है, जनरल अयूब था वो, उसने काम किया था, उसके बाद कोई भी है उसने अपनी पार्टी को बनाने के लिए किया। ठीक है, अभी जो हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो यहूदी निज़ाम चल रहा है, इस्लामी निज़ाम नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मज़हब पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले है? मतलब निज़ाम सारा हम यहूदियों का, बकौल आपके यहूदियों का निज़ाम चला रहे हैं, और जब बात आती है हम कहते हैं इस्लाम सबसे पहले। ये मुनाफ़क़त नहीं है कि करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और हमारा प्रैक्टिकली कुछ और होता है। लेकिन आज हमें सब कौम को इकट्ठा होना चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें उस पर अमल करें, उसके हट से कोई भी जमात है, चाहे मैं हूँ, किसी जमात से तल्लक मेरा हो, लेकिन जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें हम वही कामयाब है। अगर उसको हम सामने करेंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह दोबारा उसी जिस बुनियाद पर बना है उसी पर बुनियाद पर इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। चले, ये आपकी राय थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। मुझे ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है, तो क्या जवाब दें? मज़हब पहले है। पाकिस्तान नहीं पहले? नहीं। तो मज़हब पहले है, क्यों मज़हब पहले है, कोई एक लॉजिक? मज़हब इसलिए पहले है कि जब पाकिस्तान बना था उससे पहले इस्लामी नाम रखा गया था, इस्लामी से मकसद यानी कि इस्लाम के नाम पर बना। जी, इस्लाम के नाम पर बना था, तो हमारा मज़हब इस्लाम है, तो पाकिस्तान बाद में इसका नाम रखा गया था, पहले मज़हब था। यानी आपके नज़दीक लॉजिक ये है कि पहले इस्लाम था, पाकिस्तान बाद में बना, इसलिए हमारे लिए इस्लाम पहले है। ठीक है, आप ये बताएं, हमारा जो पाकिस्तान है वो, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए मज़हब पहले है और यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए कवानीन का, तो हमारा ये मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक? बिल्कुल नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह, मतलब आवाम कहती है कि इस्लामी होना चाहिए तो चल इस्लाम के मुताबिक, तो हुक्मरानों को चाहिए ना, वो कहते हैं हुक्मरान आप लाते हैं ना, हम लोग लाते हैं। ये तो आपकी बात राइट है, लेकिन हम तो ये सोच के लाते हैं ना कि जो भी आएगा अच्छा होगा, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये जैसे जदीद दौर चल रहा है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इस्लामी नफाज आ जाए, इस्लामी कवानीन आ जाए पाकिस्तान में, तो मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर इस्लामी नफाज ये कानून, इस्लामी कानून हो जाए ना, इस्लाम के तौर पर ये सब निज़ाम चलाएं, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा तेज़ी से। ज़बरदस्त। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप भाईजान पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोलेंगे कुछ? आप बोलेंगे सर? क्या बोलना है बताएं आपसे? यही मेरा आज का सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है? ठीक है, मुसलमान है। ये बताएं, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले? पाकिस्तान में ये है तो मज़हब भी, दोनों चीज़ होनी चाहिए। पहले अगर एक बात, मज़हब जो है ना अपना, वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बिल्कुल मज़हब तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नेशन की बात की जाए, नेशन में तो बहुत सी मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भी इधर रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उस हवाले से तो उनका अपना फेल है, उनका मुसलमानों का अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है, अपना तरीका होना चाहिए। ये पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पर था आपको? इसी तरह ही है, इसी तरह ही। क्या ये इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? होना जी नहीं है, चल तो नहीं रहा, लेकिन ये इनको चलाना चाहिए। ये अंकल जी क्या बात हुई, मुझे थोड़ा समझाएं, देखने वाले को समझाएं। अभी मैं जिससे भी पूछूंगा या पूछ रहा हूँ, सारे कह रहे हैं मज़हब पहले, मज़हब पहले, लेकिन मुल्क हमारा मज़हब के मुताबिक हम चला नहीं रहे। सुने, आपको बता दूँ, ये हमारी हुक्मरान ठीक हो जाए ना, सब हुक्मरान हम लोग ही हैं ना, हम में से ही जाते। मेरी बात सुन लें, आपकी इतनी एज नहीं है जितने हमारा तजर्बा है। ठीक है, इन लोगों को पहले समझाएं, हुक्मरान को किसी के साथ जाती ना करें, ना किसी के साथ बदतमीजी करें, अपने हुक्मरान की तरीका चलाएं। जो मजदूर आदमी कमा के लाता है उसका चूल्हा कैसे चलता है इनको पता है? ये चला के देते हैं किसी को, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं ना, बल्कि हमारा इस्लाम, एक मिनट, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं। आप वर्कर हैं,
आपको सैलरी मिलती है? जी मिलती। आपको कितनी मिलती सैलरी? मुझे अच्छी मिलती है तकरीबन, फिर भी मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। अब छोड़े चले, मुझे 1.5 लाख मिलता है। 1.5 लाख? 1.5 लाख में आप क्या करते हैं? आप मेरी तरफ आ गए, मुझे ये बताएं। आपके बाद का आपके जवाब दूंगा इसी वक्त। पहले आपने हुक्मनाम को ठीक करें, बकाया अवाम को ठीक करें। जब हुक्मनाम ठीक हो गए ना, सब ठीक हो जाएंगे। हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा है, मुझे बताएं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी पहले मजहब हो, मतलब जब चल ही नहीं रहा फिर पास उन बचे। मैं मजहब की आपको बताता हूँ, पहले हुक्मरान को ठीक करना। तो हुक्मरान आप लाते हैं ना? मैं कैसे लग जाऊँ? हम लोग इनको करते पढ़ते हैं ना। आप बता दें, आप बता दें कौन सा हुक्मरान लाना चाहिए आपकी मर्जी का? हुक्मरान जी अच्छे थे, उनको पहले मार दिया लोगों ने। इसको कोई नाम भी बता है? अयूब था, यही था, बटो था, वो अच्छे थे, वो इस्लाम के मुताबिक सब कर रहे थे। ठीक है, इनको मार दिया इन लोगों ने। उन्होंने महंगाई थी, कहाँ पे महंगाई थी? की बात नहीं, मैं इस्लाम की बात, मजहब की बात कर रहा हूँ। इस्लाम यार तो मेरी पहले बात सुनो, इस्लाम भी ठीक है आपकी बात, इस्लाम पहले होना चाहिए। लेकिन ये पैसे वाले सब खराब कर रहे हैं ना, पैसे वाले सब ठीक है खराब कर रहे हैं ना। इनके पास पैसा आता है, कहाँ से पेंटे शर्टे लेके पहन लेते हैं? कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी आती है इनके पास, बताओ? ये बात तो सोच आ जाती है। ये बेईमानी करते क्या ईमानदारी करते हैं? बिल्कुल नहीं ईमानदारी। मेरे आप वर्कर हैं, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपको पानी पूछ रहे हैं, कोई पंचायत पूछ रहे हैं, खाना पूछ रहा है आपसे, कोई कौन पूछ रहा है बताएं मुझे? चले वो तो किसी की मर्जी है, वो खाना पूछे ना पूछे। चले अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? बिशारत। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर जॉब, कंप्यूटर की जॉब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि ऐसे पाकिस्तानी, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले है? पहले मजहब है जी। पहले मजहब है और हर पाकिस्तानी के लिए पहले मजहब है जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये मजहब की बुनियाद पर तो बना था? इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा नारा था, दो कौमी नज़रिया था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था और यही बना था कि हम यहाँ पर मुसलमान अलहदा रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे और इस्लाम की प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। अच्छा, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। तो इस्लाम में जो सूद लेना हराम है, गलत है, तो वो हम लेते हैं, हर साल लेते हैं और उसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता, जो हम IMF से कर्ज लेते हैं? वो तो मुल्क को चलाने के लिए कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। मुल्क को चलाने के लिए वही बात है ना, मुल्क को चलाने के लिए हम इस्लाम को भूल जाते हैं। नहीं, इस्लाम पहले है ना। हाँ, आप ये बताएं हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कौन सी चीज़ें हमारी, जो अगर कानून की बात की जाए क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? कानून तो इस्लाम के मुताबिक है। अच्छा जी। तो जो हमें सज़ाएं मिलती हैं, अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई जना करता है, अगर कोई क्या नाम लेते हैं इस कोई भी मतलब कोई भी जुर्म करता है, उसको जो सज़ा है वो इस्लाम के मुताबिक मिलती है? इस्लाम के मुताबिक ही मिलना चाहिए। मिलती, मैं ये पूछ रहा हूँ इस्लाम के मुताबिक मिलती है? वो तो नहीं मिलती इस्लाम के मुताबिक नहीं। इसका मतलब है हमारा कानून कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हम बात तो इस्लाम की करते हैं, मज़हब की करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो कानून है या जो निज़ाम है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा। बिल्कुल। मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा। आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है आप? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूँ एज ए पाकिस्तानी, आप पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे या फिर आप मजहब को प्रायोरिटी देंगे? सर, हम मजहब को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसकी क्या मतलब आप समझते हैं? हमारा मुल्क जो सा पाकिस्तान है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं कि वो कलमे के नाम पर बना था, इस्लाम के मजहब के नाम पर बना था, लेकिन आपने तो ये कह दिया कि हम मजहब को प्रायोरिटी देंगे, मजहब को पहले रखते हैं, तो आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हो रहा है? नहीं सर, जो भी इस्लाम के क्या कवानीन के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब को पहले? मजहब को पहले रखें क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो तो बात ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं मजहब को पहले रखेंगे, दूसरी साइड पे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं इस्लाम के मुताबिक होगी, अगर इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए तो इस्लाम को पहले आगे रखना चाहिए ना। आप क्या अंकल जी कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है मुल्क चलाने के लिए मजहब को पहले रखना चाहिए या फिर जो एक जमहूरी निज़ाम है या जो भी निज़ाम चल रहे हैं, मुल्क को पहले तरजीह देनी चाहिए या मजहब को? मजहब को। मजहब को। तो हमारा मुल्क जो है वो मजहब के नाम पे बना था, क्या यहाँ पर सब कुछ मजहब के मुताबिक हो रहा है? गलत हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मजहब को, इसका मतलब हमने मजहब को आगे नहीं रखा? मजहब तो लिहाज है अपना, लोगों को मताया देने का, लोगों के गुलाम ने, कर्जे लेने ने, लोगों हम लोगों के गुलाम है, लोगों के गुलाम है। तो कर्जा और सूद, ये सूद तो जो है वो इस्लाम में हराम है, तो हम सूद क्यों लेते हैं फिर? बिल्कुल, गरीब आम जो सूद के खिलाफ है।
बड़े लोग लै खा जाते हैं।